तो चलिए प्रश्नावली 11.1, ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे, ठीक है। संजू के पास एक्स कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दो गुने से 5 अधिक थे, ठीक है। तो ये साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि दो बच्चे जो हैं वो कंचे खेल रहे हैं। संजू के पास कंचे जो थे वो एक्स कंचे थे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है संजू के कंचे बराबर एक्स, तो संजू के पास एक्स कंचे थे। अब कह रहा है कैलाश के पास उसके दो गुने यानी एक्स का दो गुना, एक्स का दो गुना कितना हो गया बच्चों, एक्स का दो गुना हो गया 2 गुना एक्स, ठीक है। एक्स का दो गुना क्या हो गया, एक्स में हम दो गुना से गुना कर दिए तो वह बन गया 2 गुना। तो कैलाश के पास उसके 2 गुने से 5 अधिक थे, तो एक्स का 2 गुना हो गया 2x और 5 अधिक थे तो उसमें 5 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यह एक हमारा व्यंजक बन गया, 2x+5 एक व्यंजक बन गया हमारा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पहला, यदि संजू के पास 5 कंचे थे, ठीक है, 5 कंचे हो, कह रहा है यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है संजू के पास 5 कंचे हो तो संजू के कितने कंचे हैं, एक्स बराबर कितना बच्चों, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 5, ठीक है। तो यह क्या हो गया, संजू के पास 5 कंचे हो, कह रहा है संजू के पास 5 कंचे हो तो एक्स का मान क्या है 5, यानी संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कैलाश के पास जो है संजू के कंचे का 2 गुना और उसमें 5 अधिक, यानी यह हमें समीकरण, कैलाश का समीकरण जो है हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2x+5, ठीक है। तो x बराबर 5 यानी जब संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश का हम कैसे निकालेंगे, 2 गुना, यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे, यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे बच्चों, 5+5, तो यह कितना हो गया बच्चों, 2 गुना 5 ये हो गया 10, 5 में 5 जोड़ दिए तो यह हो गया हमारे 15। तो कितना उत्तर आ गया बच्चों, 15, क्यों, क्योंकि अगर संजू के पास 5 कंचे होंगे तो कैलाश के पास उन कंचों का 2 गुना और उसमें 5 अधिक कंचे होंगे, तो 5 का 2 गुना हो गया 10 और 5 अधिक हो गया 10 और 5 मिलाकर 15। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। जो x का मान दिया गया है उस x के मान को समीकरण में रख देंगे और वही हमारा उत्तर होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि संजू के पास जब 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास 5 का 2 गुना 10 और 5 अधिक यानी 15 कंचे होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यदि संजू के 8 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो संजू के जो कंचे हैं वह x बराबर 8 प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी। तो x का मान संजू के लिए क्या है, 8 है, यानी संजू के पास 8 कंचे हैं, ठीक है। तो यह x का मान इस समीकरण में हम रखेंगे, तो 2 गुना एक्स का मान क्या है बच्चों, 8+5, ठीक है। तो 2 गुना 8 कितना हो गया, 16, और 16+5 कितना हो गया बच्चों हमारा, 16+5 21, यानी कैलाश के 21 कंचे होंगे, यानी कि संजू के पास जब 8 कंचे होंगे तो कैलाश के पास 8 का 2 गुना 16 और 16 में 5 अधिक यानी 21 कंचे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए अब हमारा तीसरा वाला प्रश्न है, यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो संजू के कंचों की संख्या x है और x कितने के बराबर दिया है प्रश्न में, 17, तो x बराबर 17। तो कैलाश के कंचों की संख्या निकालने के लिए हम कैलाश का जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, 17, ठीक है। तो 2 गुना 17+5 हमने रख दिया x का मान,
तो 17 में 2 का गुना किए तो 34, 34 और जोड़ 5, यानी कि यह हो गया 39, 39। तो कैलाश के पास 39 कंचे होंगे। कैलाश के पास कितने कंचे होंगे बच्चों? 39 कंचे। संजू के पास 17 कंचे, तो 17 का 2 गुना हो गया 34 और 5 अधिक 39 कंचे, ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों, यदि कैलाश के पास, किसके पास? कैलाश के पास, कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी? अभी तक संजू के कंचों की संख्या थी तो हम कैलाश के कंचों की संख्या निकाले थे, ठीक है। अब कैलाश के कंचों की संख्या दी गई है और हमें संजू के कंचों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों प्रश्न में कैलाश के कंचों की संख्या क्या है? 2x+5 है, ठीक है। और संजू के कंचों की संख्या क्या है? एक्स, ठीक है। ये हमारा प्रश्न में दिया गया, कैलाश के कंचों की संख्या 2x+5 दी हुई है। देखो क्या कह रहा है कि कैलाश के पास 23 कंचे हैं, अर्थात मतलब यह जो कंचे हैं वह 23 के बराबर हैं। कितने कंचे हैं उसके पास? 23 के बराबर है। और यह समीकरण दिया है कि संजू का 2 गुना और 5 अधिक कैलाश के पास कंचे हैं, तो 2x+5 यह हो जाएगा बराबर 23 के, ठीक है। 2x+5 जो है बराबर 23 के है, क्योंकि यहां दिया है कैलाश के कंचों की संख्या 23 है, तो 2x+5 जो है वह 23 के बराबर है। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2x=23 और यह +5 बराबर के जब उधर जाएगा, हाँ बाएं से जब दाएं जाएगा, तो यह +5 बराबर के उधर जाके -5 हो जाएगा। तो -5 कितना हो गया बच्चों? -5, ठीक है। तो 2x=23 में से 5 घटाए तो कितना बच गया बच्चों हमारा? 18। 2x=18, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 18/2=9। कितना आ गया? 9, यानी x का मान हमारा आ गया 9, x=9, ठीक है। तो संजू के पास कितने कंचे आ गए? 9। हमें क्या निकालना? संजू के कंचों की संख्या, ठीक है। तो संजू के कंचों की संख्या 9 आ गया, ठीक है। अब 9 का 2 गुना, उसमें 5 अधिक कैलाश के कंचे हैं, तो 9 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो गया बच्चों हमारा? 9 का 2 गुना हो गया 18, और उसमें जब 5 अधिक जोड़ दिए तो यह हो गया 23। कितना हो गया? 18 × 5 = 23। तो हमारा इस तरह से प्रश्न करेंगे हल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न है, यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे, ठीक है। तो संजू के कंचों की संख्या x और कैलाश के कंचों का जो समीकरण संख्या दिया है 2x+5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैलाश के पास 55 कंचे हैं, यानी यह जो 2x+5 है वह 55 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों 2x+5=55, क्योंकि कैलाश के पास कितने कंचे हैं? 55 कंचे हैं, ठीक है। तो 2x=55 और यह +5 जब बराबर की उधर गया तो हो गया -5, ठीक है। तो 2x=55 में से 5 गया 50, ठीक है। तो x बराबर हो गया बच्चों 50/2, यह हो गया इस कितने से कट गया हमारा? 25 से, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया बच्चों हमारा? 25। तो संजू के कंचों की संख्या क्या हो गया? 25, यानी कि संजू के पास 25 कंचे हैं। 25 का 2 गुना हो गया 50 और 5 अधिक 55, तो यह हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? इन सवालों को करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रैखिक समीकरण के हल के द्वारा अज्ञात राशि, यानी जो भी अज्ञात राशि हमारी एक्स वाई जेड दी गई है या जो भी अज्ञात संख्या है उसका पता किया जा सकता है, ठीक है। तो यह इसका उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए, ठीक है। तो देखिए x+2=5, यहाँ दिया है 3x,
यहाँ एक्स प्लस पांच, एक्स पे पावर माइनस दो प्लस पांच, फोर वाई प्लस एक्स और चार एक्स प्लस पांच ग्रेटर देन पचास, यानी यह बड़ा का चिन्ह है। तो हमने पढ़ा है अभी बच्चों की समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण उसे कहते हैं जहां दो व्यंजक होते और उनके बीच में यह बराबर का चिन्ह होता है, सिर्फ वही समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो x प्लस दो बराबर पांच जो है यह एक समीकरण है। तीन एक्स है लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है और यह किसी के बराबर नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है। x प्लस पांच भी समीकरण नहीं है, ये भी समीकरण नहीं है, 4y प्लस एक्स भी समीकरण नहीं है। यहाँ पे चिन्ह तो जरूर है, बड़े का चिन्ह होता है और एक छोटे का चिन्ह होता है, तो यह ग्रेटर देन का चिन्ह है, यानी 4x प्लस पांच जो है वो बड़ा है 50 से, यह भी जो है समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है, ठीक है, यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है, ठीक है, लाइन है जो यहां से लेकर इस बिंदु तक, ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का मान जो है वो x सेंटीमीटर है और इस बिंदु से इस बिंदु तक का मान 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर दिया गया और इसका जो पूरा मान है बच्चों वह 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से सही निशान पर घेरा लगाइए। प्रश्न कह रहा है दिए गए रेखा खंड, ठीक है, यह जो रेखा खंड है की लंबाई निम्न में से क्या होगी, तो इस रेखा खंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर पूरा इसका लंबाई दिया गया है और यह जो लंबाई दी गई है वह दो भाग में है, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस दो एक लंबाई, ठीक है, दूसरा दिया है एक्स माइनस दो, तीसरा दिया है 7.5, डी है एक्स प्लस 7.5, एक्स माइनस 7.5 और 7.5 माइनस एक्स। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस दो यानी कि ये वाले को एक्स को जब हम एक्स में दो को जोड़ देंगे तो वह 7.5 के बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक्स सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यह विकल्प क्या होगा बच्चों, सही होगा। एक्स माइनस दो, एक्स में से जब दो को हम घटा देंगे तो इसकी लंबाई सिर्फ इतनी हो जाएगी, तो यह पूरा लंबाई नहीं दर्शा रहा। ठीक है, 7.5 यहाँ पे सेंटीमीटर इन्होंने प्रश्न में नहीं लिखा है, 7.5 तो इस पूरे रेखाखंड की लंबाई जो है क्या दिया है बच्चों, 7.5, तो यह भी सही होगा। x प्लस 7.5 तो कह रहा है कि 7.5 में x जोड़ना, ठीक है, तो 7.5 तो अपने आप में ही यह पूरी लंबाई है तो उसमें x जोड़ना ठीक नहीं है, यह गलत है। x माइनस 7.5, x में से क्या कह रहा है, 7.5 को घटाना, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, और 7.5 में से x को घटाना तो यह भी नहीं होगा क्योंकि 7.5 में से जब आप x को इतना मान को आप घटा देंगे तो हमारा पूरा रेखाखंड वह लंबाई नहीं दर्शाएगा, तो ए और सी इसका ऑप्शन सही है। चलिए अब तीसरा का यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है बच्चों एक रेखाखंड जो दिया गया हुआ है यह इसकी जो पूरी लंबाई है वह 9 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, पूरी लंबाई जो है वह 9 सेंटीमीटर है और इसको तीन भाग में भी बांटकर इसको लंबाई दी गई है। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु है वह 3 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक के बिंदु को y सेंटीमीटर लंबाई और यहां से लेकर यहां तक के बिंदु को z सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, यानी 3 में y जोड़ देंगे, y में z जोड़ देंगे तो यह तीनों किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है उपर्युक्त चित्र के आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो देखिए 3 में जोड़ेंगे y, y में जोड़ेंगे z जो कि बराबर है 9 सेंटीमीटर के, तो 3 में y जोड़ दिए, 3 में y जोड़ दिए, y में z जोड़ दिए, तो यह 9 के या पूरे लंबाई के 9 सेंटीमीटर के बराबर है।
अब देखिए ये वाला जो कह रहा है 3 प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 9, तो कह रहा है 3 में जब वाई जोड़ेंगे, वाई में जब जेड जोड़ेंगे तो यह 9 से छोटा होगा। तो यह तीनों को जोड़ने पे क्या यह 9 से छोटा होगा? नहीं, यह 9 से छोटा नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। अब देखिए यहां पर 3 प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन 9, ठीक है 9, यानी 3 में जब y जोड़ेंगे, y में जब z जोड़ेंगे तो यह जो है 9 से बड़ा हो जाएगा? नहीं, यह भी 9 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने के बाद लंबाई 9 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 3 में y जोड़ना है और z को घटाना है, तो वह 9 के बराबर होगा? नहीं, ठीक है। 3 में y जोड़ देंगे, ये पूरा जोड़ देंगे और ये वाला अगर आप निकाल दीजिएगा लंबाई, यानी z सेंटीमीटर की लंबाई को अगर हम घटा देंगे तो यह 9 से कम हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है 9 के बराबर, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों? 3 में y जोड़ेंगे, y में z जोड़ेंगे और यह तीनों जो है बराबर है 9 सेंटीमीटर की, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए रेखा खंडो के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, पहला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक की लगाई 3 सेंटीमीटर है और इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई z सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 3 लंबाई में यानी 3 खंड में लंबाई दी गई है और इस पूरे रेखाखंड की देखिए यहां से इसका ये अर्थ क्या होता है, ये जो ऐसे बना हुआ है गोला करके, यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हम जो समीकरण बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे? 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे 5, 5 सेंटीमीटर में हम जोड़ देंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर में हम जोड़ देंगे z सेंटीमीटर और यह हो गया z, और यह तीनों यानी 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर, तीनों मिलाकर जो लंबाई है वह क्या है? 11 सेंटीमीटर के बराबर है। तीनों जोड़ के जो लंबाई है वह 11 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे 11। तो ये समीकरण आपका बन गया 5 प्लस 3 प्लस जेड बराबर 11, ठीक है। अब इस समीकरण को बनाने के बाद हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो समीकरण हमने अभी बनाया 5 प्लस 3 प्लस जेड बराबर 11, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? z का मान निकालेंगे, ठीक है। वैसे इस प्रश्न में ये कहा नहीं गया है कि हमें z का मान निकालना है, सिर्फ इस प्रश्न का यही उत्तर होगा कि समीकरण को बनाना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कि समीकरण बनाइए, तो हमने समीकरण बना दिया, लेकिन अब इसमें से z का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8, 8 प्लस z बराबर 11, ठीक है। फिर ये 8 क्या होगा? बराबर के इधर चला आएगा और माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो गया z, z बराबर 11 माइनस 8, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? z की वैल्यू क्या हो गई? 11 में से हम 8 घटा देंगे तो क्या हो गया? 3, ठीक है। ये कितना हो गया z का वैल्यू? 3। अब आप इस प्रश्न को देखिए, यहां पर ये जो हमने समीकरण बनाया 5 प्लस 3 प्लस जेड बराबर 11, यानी जेड का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया बच्चों? प्रश्न में जेड का वैल्यू हमने निकाल लिया है 3। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और ये जेड की वैल्यू 3, 9, 10, 11, यानी कि इन तीनों की वैल्यू क्या होती है मिलाकर? 11, इसलिए जेड का मान हमारा निकल गया 3। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, हमें दूसरे वाले का समीकरण बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, यहां से और यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई जो है बच्चों, इस बिंदु तक की जो लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो है q सेंटीमीटर है और इसकी जो पूरी यानी यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की
पूरी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या करेंगे बच्चों, जब हम नीचे वाले को पूरा जोड़ देंगे तो वह कितने के बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हम सिंपल इसको इस प्रकार लिख देंगे, 1.5 + 2 + 2.5 + q = 7। अब देखिए यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, हमें जस्ट समीकरण लिखना है। तो हमने इस प्रकार इसका समीकरण लिख लिया, ठीक है। अब आप यहां से q का मान निकाल सकते हैं और यह बता सकते हैं q कितना होगा, ठीक है। तो 1.5 और 2.5 को जब हम दो जोड़ देंगे बच्चों, 2.5 में जब 1.5 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 2, 6। तो 6 + q = 7, ठीक है। 6 + q = 7 और अब क्या करेंगे, q बराबर हो जाएगा 7 और यह इधर चलाएगा तो -6, तो q बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। q कितना निकल गया बच्चों हमारा, 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर और यह 2 हो गया 6 सेंटीमीटर और यह q हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो q का मान आप 1 सेंटीमीटर यहां रख के भी देख सकते हैं, 1.5 + 2 + 2.5 + q, यानी q कितना है 1 सेंटीमीटर = 7। तो 1.5, 2.5, 4 और 2, 6 = 7, यानी 7 = 7 हमारा निकल गया। तो q कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने जस्ट प्रश्न को हल कर दिया है, इसका मान निकाल दिया, लेकिन हमारा जो उत्तर है वह हमारा उत्तर सिर्फ इतना ही लिखना है, हमें सिर्फ समीकरण के बारे में ही लिखना है कि समीकरण इसका क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक s है इसका मान, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक मान कितना है s, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इसका मान 8 है, ठीक है। यह 2 रेखाखंड में विभाजित है, एक रेखाखंड यहां से यहां तक इस बिंदु तक और दूसरा यहां से लेकर यहां तक, और इसकी जो पूरी लंबाई दी है वह कितना दिया गया है बच्चों, 3s। इसकी जो पूरी लंबाई है वह कितना दिया गया, 3s। तो हम इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, क्या करना, नीचे वाले को जोड़कर ऊपर वाला जो लिखा हुआ है पूरी लंबाई वह उसके बराबर है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, s + 8, ठीक है। s में 8 को जब हम जोड़ देंगे तो वह बराबर हो जाएगा 3s के, ठीक है। वह किसके बराबर हो गया, 3s के। तो यह जो है हमारा समीकरण यह बन गया, ठीक है, यह हमारा समीकरण यह बन गया। आई बात समझ में, चलिए। तो चलिए बच्चों हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई 5 दी गई है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई q दी गई है और इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई p दी गई है, ठीक है। और इसका पूरा लंबाई जो है बच्चों p + 13 है। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों को नीचे को जोड़कर इसके बराबर p + 13 के बराबर लिख देंगे, यही हमारा समीकरण होगा, ठीक है। इस समीकरण को कैसे हम लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 5 में जोड़ेंगे हम q को, ठीक है, 5 + q में जोड़ेंगे हम p को, p 5 + q + p बराबर किसके है बच्चों, p + 13 के। क्यों p + 13 के बराबर है, क्योंकि इस पूरे रेखाखंड की लंबाई p + 13 है। तो हम यहां लिख देंगे p + 13, ठीक है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न बच्चों क्या है। पांचवा प्रश्न में देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई a है, यहां से यहां तक की लंबाई a है, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई 15 है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई b है और इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई b है, और इसकी पूरी लंबाई जो है बच्चों वह कितना है, 52, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पूरा हम जोड़ देंगे। तो चलिए नीचे वाले को हम पूरा जोड़ते हैं। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, हम यहां लिखेंगे a, ठीक है, प्लस ये वाले a को भी लिखेंगे a, प्लस ये 15 है तो हम लिखेंगे 15, प्लस ये वाले लंबाई को b और ये वाले लंबाई को b, ठीक है। तो हमने सारे को क्या किया, जोड़ कर लिख दिया, और यह कितने के बराबर है, 52 के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए,
एक ए में जब एक ए को जोड़ेंगे तो वह दो ए बन जाएगा और एक बी में जब एक बी को जोड़ेंगे तो वह दो बी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे बच्चों, दो ए प्लस 15 प्लस 2b बराबर 52। ठीक है, बराबर 52। ठीक है, ए ए 2a हो गया, बी बी 2b हो गया और इस तरह से हम 15 प्लस 2b बराबर 52, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया।